Hey, what's up everyone and welcome back to Verma Education Live. और अराउंड हम लोग 2 वीक बाद लाइव आ रहे हैं और ये लाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लास 12 का कंटेंट जितना भी है वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा. तो एक बार ये मेक श्योर दैट आप ये कर लेना कि जो है ना आपके पास, अगर आपके पास NCERT का ओरिजिनल बुक है देन आप NCERT का बुक ओपन करके रखना ताकि हम लोग जो जो भी यहाँ पर करने वाले ना सारा आपको प्रॉपरली तरीके से आप साथ साथ में कर लो. जिन लोगों को भी एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से देना है ना तो एक बारी आप NCERT ओपन कर लो. मैंने टेलीग्राम पर लिंक भी शेयर कर दिया है ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो आ सके. एंड BSc नर्सिंग के जितने भी एस्पायरेंट हैं सबको फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि 13 को एग्ज़ाम है और जो है ना बेसिकली हाँ स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दैट एवरी थिंग इज़ राइट, गुड है कि नहीं. ठीक है, और जो भी आ चुका है ना एक बार चैट पे अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो अपना. ओके, और चैट उन्हीं लोग के लिए जिसने सब्सक्राइब करके रखा है. ठीक है, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग चैट नहीं कर पाओगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, बलराम विजय एजुकेशन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है, तो आज हम लोग ना बेसिकली यहाँ पर आपको एक मैंने जो PDF आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है ये PDF बेसिकली है ना, एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया. हाँ ठीक है, ये PDF है, फार्मूला बुक है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके बायोलॉजी क्लास 12 के वो यहाँ पर हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया था, मैं फिर से इसको कर देता हूँ प्लेस. हाँ ठीक है, तो 7 लोग आ चुके, फटाफट से बता दो भी क्या प्रॉपर है ना साउंड एंड सब चीज़ प्रॉपर है कि नहीं. ठीक है, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब करके रखा होगा वो ही चैट कर सकते हो. तो एक बार मैं फिर से आपको नोटिफाई कर देता हूँ. ठीक है, और NCERT बुक ओपन कर लेना क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं. बट NCERT बुक को अगर आप ओपन करके रखते हो ना तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने वाला हूँ. ठीक है, तो लास्ट ईयर रिप्रोडक्शन यूनिट से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आए थे बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करने वाले हैं. ठीक है, अगर स्किप करेंगे तो फिर इश्यूज़ आएंगे. ठीक है, ठीक है, तो अभी सभी चीज़ सही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. तो यहाँ पर ये फार्मूला बुक में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म दे रखा है वो डिफरेंस दे रखा है. आप डिफरेंस देख सकते हो कुछ इस तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस यहाँ पर इन लोगों ने बता रखा है. बट हम लोग NCERT के पेज नंबर 7 में अगर आप चेक करोगे ना तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो वो एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि कॉनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल्स. ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर 7 में आपके दिए हुए, जिन लोगों ने भी NCERT ओपन करके रखा है तो पेज नंबर 7 एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पर जो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए. ठीक है, पेनिसिलियम, कॉनिडिया, बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल्स. ठीक है, तो ये आपको ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है. ठीक है, और यहाँ पर आप लाइफ स्पैन भी याद कर सकते हो. बेसिकली नॉर्मली है सारे के सारे, पैरेट 140 ईयर्स. ठीक है, और पहले यहाँ पर जो हम लोग को डिफरेंस दे रखा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर देख सकते हो, इट इन्वॉल्व 2 पेरेंट. ये सभी लोगों को पता है बेसिकली डिफरेंस ए सेक्सुअल में, इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट. ठीक है, तो ये पढ़ना कोई प्रॉपर नहीं होगा. बट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म MTG के फॉर्मूला बुक में जो यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने वो यहाँ पर कुछ बस ये दे रखा है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस. ठीक है, यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है बट और लास्ट ईयर भी BSc नर्सिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिला. मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है, देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 13 अगर आप चेक करोगे ना तो पेज नंबर 13 में एक चार्ट दिया हुआ है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डायप्लॉइड 2 एंड गेमिट हैप्लॉइड सम ऑर्गेनिज्म फिल इन द ब्लैंक सेक्स. ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ ना NCERT का, दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड. ये हमारे पास है,
चार्ट पेज नंबर 13। ये लोड हो जाए जल्दी फटाफट से, यार बहुत स्लो कर रहा है ये। थोड़ा सा लॉन्ग पीडीएफ है इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने इम्पोर्टेंट दे रखा था आप लोगों को, तो इम्पोर्टेंट वाला वीडियो देख लो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग मेथड होता है एंड दैट्स वाई वो नहीं करा सकते नो लाइव। ठीक है, अरे यार ये क्या खोल दिया चैप्टर वन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए ये बोला गया था बट चैप्टर वन खोल दिए से। रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट चैप्टर टू ये खोल दिया, यहाँ पर चैप्टर वन लिखा हुआ है। दैट्स यार क्या है ये। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये पीडीएफ हम लोग को मिल गया शायद आई थिंक। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूजुअली से क्वेश्चन इस पीडीएफ से आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत कम मिलता है। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बट ये वाला चार्ट के बारे में बात कर रहा था, जो नेक्स्ट चार्ट है ना ये। ठीक है, ये वाला चार्ट, ठीक है, यहाँ से ना आपको क्रोमोजोम नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन बींग में देख सकते हो क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, म्योसाइट के क्रोमोजोम नंबर इन म्योसाइट 2N46 एंड क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट N23। ठीक है, हाउस फ्लाई को यहाँ पर देख सकते हो 12। तो ये वाला जो है ना ये चार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो गैमेट क्रोमोजोम नंबर जो है म्योसाइट में और गैमेट में कितने होते, ये चार्ट आपको एक बार ही फिलअप करके रखना है। ठीक है, और यहाँ से कोई ऐसा यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इजी चैप्टर दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मूव करते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में, जो कि हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट। सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर के फार्मूला बुक में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, फार्मूला बुक में यहाँ पर दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का सबको डिफरेंस पता ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पढ़ने जाओगे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टर्म ही दिए रखे हैं। ठीक है, एनीवन फ्रॉम रांची, निशा कुमारी, गुड इवनिंग। तो अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करे हो ना, तो एनसीईआरटी बुक में आप, अरे यार लाइव चल भी रही है, ओके, यहाँ पर चैट में आया दैट कि पिछले साल मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। पिछले साल मॉर्फोलॉजी से भी ज़्यादा पूछा गया था। हाँ, मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा पूछा गया था और आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं हमारा एनसीईआरटी का पीडीएफ में। एनसीईआरटी का पीडीएफ में देख लेते हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस बारे जो है ना एग्रीकल्चर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। फर्टिलाइजर स्ट्रक्चर फिलामेंट एंथर स्टामेन यहाँ से नहीं थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर में, तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथीकस ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज
एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर. ठीक है, द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब. ठीक है, तो ये वाला लाइन से क्वेश्चन था, तो ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बारे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ये डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हो इजिली, यहाँ पर पोलन सेक्स, पोलन ग्रेन, लाइन, डिहिशंस. ठीक है, नीचे की ओर मूव करते हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं. ये वाला भी क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा था इन लोगों ने. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एक बार ही रिवाइज कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम. इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलिंग ग्रेन. टैपेटम का वर्क क्या है बेसिकली, ये बोल रहा है नरिशेज द डेवलपिंग पोलिंग ग्रेन. ठीक है, तो ये वाला लाइन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेकेंड चैप्टर का है. ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर पेज नंबर 21. ठीक है, पेज नंबर 21 एक बार ही अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है, फिर माइक्रोस्पोरन जेनेसिस, ये वाला भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा. एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड्स. ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे की ओर मूव करते हैं. यहाँ पर ये डायग्राम में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टिव एपिडर्मिस, इंडोथीकियम एंड स्पोरोजेनस टिश्यू, टैपेटम, मिडिल लेयर. फिर यहाँ पर है एपिडर्मिस, इंडोथीकियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टैपेटम. ठीक है, तो ये डायग्राम आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, चैट पे बता दो प्लीज़ फास्ट. अच्छा हाँ, फास्ट हम लोग करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर मैं बताते जा रहा हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है. एज इट सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये वाला लाइन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. पोलन मदर सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PMC भी कहते हैं. ठीक है, तो याद रखना. फिर अच्छा, यहाँ पर ये लाइन भी देख सकते हो, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन टू पोलन ग्रेन. ठीक है, फिर यहाँ पर पोलन ग्रेन का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला चैप्टर पढ़ लेना. ठीक है, अच्छे से. और ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन ईजिली आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, NCERT से बाहर से क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, ये GCC में NCERT के बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, इजली से, मतलब ये वो लोग दे देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए. इस बारी एग्रीकल्चर के भी एक एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी बहुत सारे देखे गए थे ऐसा. ठीक है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है इस बार ये अगर NCERT से दे वो लोग तो काफ़ी बढ़िया रहेगा. ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, काउंसलिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में. ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पोलिंग ग्रेन. अच्छा, ये वाला देख लो, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन. ठीक है, और स्पोरो पोलनिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी कुछ, ये और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है. ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हो, द इनर वॉल ऑफ द पोलिंग ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन. ठीक है, ये वाला भी MCQ बन जाएगा इससे भी. फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते लोग, तो जो भी था ना वो पर मैंने आपको बता दिया. यहाँ पर फूड वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. पोलन प्रोडक्ट में यहाँ पर बी पोलन. ठीक है, और पोलन प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है बी पोलन क्रीम, द एनर्जी सेक. ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. कहाँ से आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं फटाफट से ऊपर में. यहाँ पर ये टॉपिक कहाँ पर है,
अच्छा यहाँ पर ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, पोलिन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काउज सीवियर एलर्जी टू ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल ऑफ एन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब। ठीक है, फिर पोलिन ग्रेन इज ए रिच न्यूट्रेंट, देख सकते हो यहाँ पर पोलिन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रेंट। ठीक है, और इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलिन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, पोलिन टेबलेट जो फूड सप्लीमेंट की फूड सप्लीमेंट जैसा यूज होता है इन वेस्टर्न कंट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सीरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलिन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पर आगे मूव करते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है एग्जाम्स में। और ये डायग्राम आप चाहे तो याद कर सकते हो, काफ़ी ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा हाइलम है, फिर फनिकल, फिर माइक्रोपाइलर पोल, फिर आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट एंड न्यू सेलस एंड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, फनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, न्यू सेलस एंड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लेना। एंड इधर है हमारा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी थैलेमस। ठीक है, एंड यहाँ पर मूव कर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर आ जाता है, यहाँ से हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवेरी मे बी वन वन टू मैनी। ठीक है, मैनी किस में होता है, पपाया, वाटर मेलन, ऑर्किड्स में, और वन किस में होता है, वीट, पैडी, मैंगो में। ठीक है, द मेगास्पोरेंजियम जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, लेट अस फैमिलियराइज आवर सेल्व विद द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉल कॉल फनिकल। ठीक है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फनिकल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन आपको याद रखना है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, पेज नंबर ये 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट 9 में है नहीं, पेज नंबर मैं एनसीईआरटी में बताऊंगा ना, तो एनसीईआरटी में ये है, एक सेकेंड, एनसीईआरटी में ये किस में, आई थिंक ये अपडेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ दे रहा है, पुराना वाला एनसीईआरटी में ये नहीं है। मैं मेरे पास बुक भी ओपन करके रखा हूँ मैं, तो बुक में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ नर्सिंग वही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहाँ टॉपिक नहीं समझोगे ना, ये टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो टर्म्स आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, उसके बाद आप बताइएगा। ठीक है, ब्रेन स्टेशन जो जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला देन आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का टाइम सभी एमसीक्यू तो बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, बट वही बात है ना कि अगर आप ये रिवीजन कर लोगे देन काफ़ी बढ़िया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर देखिए तो ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंट्यूगमेंट। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर इंट्यूगमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, ऑपोजिट द माइक्रोपिलर एंड इज चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, फिर अभी यहाँ मूव करते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारा, या ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, एंड मूव करते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ ये वाला याद रखना, देख सकते हो यहाँ पर, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंसन्ड अर्लियर हैज़ टू पोलर न्यूक्लियाई दस ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट द मेच्योरिटी ऑफ 8 न्यूक्लियट इज 7 सेल्ड। ठीक है, पॉलिनेशन वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर से, एमसीक्यू बनते हैं, वीवीआई कह सकते हो इसको, ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी पढ़ लेना। एंड ऑटोगेमी क्या होता है, फिर यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है चैसमोगेस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चैसमोगेस फ्लावर क्या होता है,
सिमिलर टू फ्लावर टू अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। एंड क्लिस्टोगेमस क्या होता है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है, पूरा ऑल पैक्ड रहता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। फिर जिटनोगेमी, जिटनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंड जिटनोगेमी याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है, इन सेम प्लांट। यहाँ पर जिटनोगेमी का एग्जाम्पल दे रखा है ऐसा ये। और जिनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। जीनोगेम क्या दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो अलग अलग पौधे में जब पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसे जेनोगेमी कहते हैं। सेम सेम फ्लावर में अदर अदर फ्लावर, मतलब सेम प्लांट में अदर अदर फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे जिटनोगेमी कहते हैं, ठीक है। फिर ऊपर हम लोगों ने और पढ़ रखा था क्लिस्टोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है, दो मेथड याद रखना है। फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आप मिल सकते हैं, वाइंड पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन हो गया, वो तो सारे हम लोग शॉर्ट टर्म रिवाइज करते जाते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म अगर आप रिवाइज करोगे ना देन आपको शॉर्ट टर्म जो भी है बायोलॉजी का वो अगर आप रिवाइज करोगे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। एमसीक्यू करने का टाइम तो अभी ख़त्म हो गया, आप पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करोगे जेसीसी के वो बेटर रहेगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। हाँ यहाँ पर ये देख लो, ये क्वेश्चन आपको जस्ट लास्ट अभी जो एग्रीकल्चर का था उसमें आया था, पॉलिनेशन ऑफ वाटर एंड वेलिसनेरिया इंसेक्ट पॉलिनेशन, एग्जाम्पल दिया हुआ ये वेलिसनेरिया का, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलते यूजुअली, ठीक है। हाँ तो जितना भी ऊपर में हम लोगों ने हाईलाइट करा था ना वहाँ से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का हाईली हाईलाइटेड है, देख सकते हो, इन द फीमेल पेरेंट बियो बायसेक्सुअल फ्लावर रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी, दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमेस्कुलेशन, ठीक है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इमेस्कुलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इमेस्कुलेशन का एक इमेस्कुलेशन के डेफिनेशन रहेंगे एंड आपको वो पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लेकिन इस बार ही क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। ओके सेड, सीड से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, ठीक है, इस बारे। बट आप एक बार सीड को भी रिवाइज कर लेना, ये वाला डायग्राम से क्वेश्चन आ चुके थे नीट 2022 के, तो बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जेसीसी में आते नहीं है, ठीक है। ओके हाँ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हो, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रिनी, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड है, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर आप MTG का हाईलाइट यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोग एक बार ही रीड कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली दिया है प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्यूबर्टी दे रखा है इन लोगों ने। और जो JCC इस बारी रिपीट कर रहा है ना वो हम लोग देखेंगे यूजुअली, ठीक है, JCC क्या रिपीट कर रहा है। ओके JCC क्या रिपीट कर रहा है हर बारी, इस बारे ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से आया था एंड इस बारे मतलब मैं बोल रहा हूँ ना एग्रीकल्चर का और जो पैरामेडिकल क्वेश्चन वहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ही पता चलेगा दैट कि JCC क्या लाइक कर रहा है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के यहाँ पर दे रखा है बेसिकली इज द पीरियड ऑफ लाइफ विच सेक्सुअली मेच्योर बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर, ये सब तो
नहीं आते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर देख सकते हो, फेज 1 से 5 डेज, द वॉल ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन ऑफ द मेंस्ट्रुअल बिगिन से, तो छोटा सा डेफिनेशन है। एंड पॉलीफेरेटिव फेज क्या है, 6 to 13 डेज, पॉलीफ्रेशन ऑफ यूटरिन वॉल अकर्स, द यूटरिन वॉल बिकम थिकर बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ओविलेशन फेज 14th डे, ओविलेशन रिलीज ऑफ ओवम अकर्स, ठीक है। एंड सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज, यूटरिन ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस सच एज यूटरिन वॉल इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन यूटरिन वॉल ब्रेक लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग इन न्यू साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर MTG के फॉर्मूला बुक में बस इतना ही है, अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे NCERT का पेज, ठीक है। ठीक है, NCERT में मूव करते हम लोग ये वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज, जल्दी खुल जाए बस, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बता रहा है यार, ये जल्दी खुल लो जाओ यार। हाँ ठीक है, खुल रहा। चैट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। चैट में एक आया हुआ दैट पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, तो पार्थिनोकार्पी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड होता है, और पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल में। पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में होता है, और वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और पार्थिनोकार्पी तो विदाउट, पार्थिनोकार्पी जो है वो बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट है चेंज हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल आप बनाना बनाना ले सकते हो, ओके। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पेज हम लोगों ने ओपन कर रखा है, एंड यहाँ पर बेसिकली इस बारी जो है ना, ये चैप्टर ज़्यादा उन लोगों ने हाईलाइट नहीं करके रखा है, ठीक है। तो ये सब सबको बेसिकली पता ही होता है, पेज नंबर 1, यहाँ पर आप कुछ भी याद, सारे तो सारे सबको रिवाइज है मोस्टली, ठीक है। और पैरामेडिकल का ये वाला क्वेश्चन था लास्ट ईयर, यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवेरीज, ये सब भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे एंड मूव करेंगे नेक्स्ट में, जहाँ पर इस बारी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पेज नंबर, यहाँ से आ सकते क्वेश्चन, यहाँ पर आप ये वाला पेज पढ़ लेना, एंड सबको पता ये सारा नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अगर यहाँ से पूछे जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल आते ही नहीं है, ठीक है ज़्यादा। हाँ, गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल ऑफ द ओवेरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स आइदर स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, रेस्पेक्टली द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑफ मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम दोनों बेसिकली उसी को हम लोग कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल में जो जर्म सेल्स बनते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म कहते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय म्यूटिक डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ईच स्पर्मेटोगोनियम डेप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डेप्लॉयड होता है एंड 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेसिकली कहते हैं, या फिर देख सकते हो, पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो जो चार्ट होता है ना, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट देखोगे, यहाँ पर दिया नहीं है शायद, हाँ ये वाला चार्ट,
तो ये वाला चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है, सिंपली से यहाँ पर देख सकते हो। एंड हाँ, ये वाला चार्ट अगर आप देख लोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का, और ये हमारा ओजेनेसिस का है, ठीक है। तो ये चार्ट से आप स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस दोनों आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला क्वेश्चन, प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनाज, तो ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में इस बारी अराउंड 13K एस्पायरेंट है, 13,000 एस्पायरेंट है, एंड 13,000 में ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का आ सकता है, ठीक है। ये डायग्राम से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये भी नॉर्मल है। तो जो ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, वहीं से क्वेश्चन देखने को यूजुअली मिलेंगे आपको, ठीक है। नीचे जो भी है वो सब यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है, सब बेकार है, ठीक है। बट एक बार समरी को रिवाइज कर लेना, समरी में कुछ दिया होगा तो वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी ये लोग दे देते हैं। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारा कौन सा है, MTG का फॉर्मूला बुक और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ओर मूव करते हैं हम लोग फटाफट से। एक सेकेंड, मेरे को एक मिनट टाइम दीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यहाँ पर फार्मूला बुक में अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है इन लोगों ने, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, बस यही हाईलाइटेड इन लोगों ने दे रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। इलेवेंथ का बायोलॉजी कल होगा, ठीक है। कल आपको निशा कुमार सर, आपको कैसे पता कि 13,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं? यस, 13,000 इस बारी 13,000 एस्पायरेंट है, क्योंकि फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ था, एंड जो डेटा हुआ है फॉर्म का वो मैंने पता करा, 13 से 14,000 स्टूडेंट है, ठीक है। और एग्जैक्टली तो अगर कहें तो 13,000 स्टूडेंट ही है, ठीक है। एग्जाम जो देने जाएंगे वो 13,000 पक्का जाएंगे, ठीक है। और ओनली 50 सीट है, तो कॉम्पिटिशन आप देख सकते हो कितना होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर 4,000 एस्पायरेंट थे, 4,000, 3 to 4,000 थे, ठीक है। बट इस बार 13,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे पूरे झारखंड में, और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल नेक्स्ट होने वाला है। सो आप लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म्स, एंड अगर आप सीरियसली अगर आप क्रैक करना चाहते हो ये एग्ज़ाम को, तो आपको टॉप 100 या फिर टॉप 100 के तो अंदर आना ही पड़ेगा, देन ही आपको सीट मिलेगा इस बारी, ठीक है। अगर आप जनरल या फिर OBC से हो तो ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के देख रखे हैं कि ये बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड को हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं NCERT का, ठीक है, NCERT का देखते हैं हम लोग, NCERT का क्या क्या है, और इस बार ये कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तेरह हजार एस्पायरेंट है, ठीक है। निशा कुमारी, ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ गए, एंड यहाँ पर यूजुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड, मैटरनल मोर्टिलिटी यहाँ से नहीं आते, एंड ये सब नॉर्मल है, ये आप सबको पता ही है लगभग। एंड मेडिकल टर्म ऑफ MTP से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, ऐसे कहते हैं। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्मड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट 1 to 5th द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव प्रेगनेंसी इन ए ईयर। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट इन बींग डिबेट अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू, ये तो है। अब यहाँ पर डेट याद रख लेना कि MTP कब स्टार्ट हुआ था, डेट यहाँ पर NCERT में मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे, MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक, ठीक है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी,
एंड यहाँ से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड फर्टिलिटी. एक सेकेंड, एक कॉल किसने कर रखा है? ओके 1971. अच्छा हाँ ठीक है. इनफर्टिलिटी और डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल गया ये हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एम्ब्रायो ट्रांसफर ET एंड टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है ये हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर फटाफट से. ठीक है तो हम लोग को जो रिवाइज हो जाएगा ये फटाफट से. ओके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाई एम्ब्रायो ट्रांसफर इन वन सच मैथड. दिस मैथड इज पॉपुलरली नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है IVF को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है तो ये भी और ZIFT और ZIFT में जायगोट इंट्रा ट्रांसफर फैलोप सॉरी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड GIFT में होता क्या? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है ये बस जायगोट और गिफ्ट गिफ्ट में गैमेट. ठीक है दो डिफरेंस है आपका ये याद रख लेना. ठीक है और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजैकुलेशन ICSI. ठीक है यहाँ से डेट वाले भी आ सकते हैं ICSI इन अनदर स्पेशलाइज प्रोड्यूसर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन फर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इनसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजेकुलेट्स कुड करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है फिर यहाँ पर आ गया IUI इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. ठीक है और हम लोग का यहाँ पर ये ख़त्म होता है. यूजुअली यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ईजिली बना दोगे इसको. ठीक है सर BSc का प्राइवेट कॉलेज का एक वीडियो बना दीजिए ना. हाँ प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं. ठीक है बट उन लोग प्राइवेट में थोड़ा सा फ़ी का इशू रहता है दैट वो लोग अपने मन से फ़ी लेते हैं जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते अपने मन से फ़ी लेते. ठीक है तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि प्राइवेट में कौन सा बेस्ट है नहीं तो फिर बाद में आप मेरे को गाली दोगे ऐसा. ठीक है फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ सकते हो यहाँ से एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस मल्टीपल एलील्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड सप्लीमेंट्री जीन्स प्लियोट्रोपिक जीन्स और वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी 1922 ये क्या बोल लिखा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रखा था इन लोगों ने. ठीक है तो वॉल्टर एंड सटन यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगे. ठीक है ये चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 में आपको साइंटिस्ट के नेम में बता दे रहा हूँ. यहाँ पर कुछ दे रखे हैं लोग जेम्स डोबे वॉटसन क्रिक. ठीक है चिकागो. तो अगर आप समरी पढ़ोगे तो यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने. ठीक है साइंटिस्ट के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जेनेटिक ये हमारा चैप्टर कौन सा हमारा ये एक सेकेंड प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन. ठीक है इसमें साइंटिस्ट के नेम काफ़ी मैटर करेंगे. ठीक है जैसे कि मेंडल्स लॉ हो गया. ठीक है तो ये तो साइंटिस्ट वाले को यहाँ पर हाईलाइट दे रखा है इन लोगों ने ये कि लॉ ऑफ नीचे हम लोगों ने करा था कहाँ करा था ये वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी. ठीक है तो क्रोमोसोमल थ्योरी इन लोगों ने दे रखा था. तो जितने भी थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन है ना तो साइंटिस्ट के नेम वो पूछे जाएंगे. ठीक है तो एक बार वो याद रख लेना. पेडिग्री क्या है? पेडिग्री इज अ चार्ट शोइंग रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स फॉर टू और मोर एंसेस्ट्रल जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम फैमिली ट्री. ठीक है तो ये है. अभी हम लोग NCERT विजिट करते हैं. NCERT में क्या दे रखा है इन लोगों ने वो देखेंगे. ठीक है अरे यार साइंटिस्ट नेम यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ.
साइंटिस्ट नेम एंड देयर एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा यहाँ पर, आई थिंक मेरे को नहीं मिल रहा। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी चेक करते हैं। ठीक है, ये खुला नहीं है अभी तक। अगर आ जाए तो ठीक है। यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर रडोल्फ विर्चो, इसने क्या दिया था, एविडेंस सेल थ्योरी एंड हैकेल 1865 में डिस्कवर्ड एंड नेम प्लास्टिड ऑफ प्लांट सेल एंड जॉलजी डिस्कवर जॉलजी एपिटस, टी एच मॉर्गन डिस्कवर सेक्स लिंक इन ड्रोसोफिला। ठीक है, बेंडा इंट्रोड्यूस टर्म माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी के, हम मैंने जहाँ तक पढ़ा है यहाँ पर हम लोग को रडोल्फ विश्व मिला है, हकेल मिला, आल्टमैन मिला है, वाइजमैन एंड स्टेबर्गर मिला, जॉलजी नहीं मिला, बैंडा नहीं मिला, टी एच मॉर्गन मिला, चैगफ मिला। ठीक है, चैरगफ है यहाँ पर शायद, एरर इन लोगों ने दे रखा है, इस पेज में एरर है शायद, आई थिंक। यहाँ पर देखते हम लोग, नहीं है इसमें, जो मैं पेज फाइंड कर रहा हूँ वो मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक लुवेन हुक्का है, 1683 डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप टर्म्ड एनी मैक्ल्यूस इन द एनिमल सेल। रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर्ड सेल एंड कॉइन टर्म सेल। ठीक है, फिर जोसेफ प्रिस्टले 1772 शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। एम सिल्डेन 1838 अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट। टी सॉन 1839 अप्लाइड सेल थ्योरी टू एनिमल्स। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साइंटिस्ट नेम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एंड एक्सपेरिमेंट कि वो लोग ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया था तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ये पीडीएफ ओपन हो गया, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में क्या है हमारा, ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चार्ट से बट एक बार ही रिवाइज कर लेना, कैरेक्टर एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। नीचे की ओर मूव करते हैं हम लोग एंड ठीक है, तो ये वाला जो है ना, जितना भी मेंडल का एक्सपेरिमेंट है एक बार ब्रीफली समझ लेना। ठीक है, चैट पे कोई एक्टिव नहीं है, जिन लोगों ने भी चैट नहीं कर पा रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, तो अभी आप चैट कर पाओगे। सर, बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज का एक वीडियो बना दीजिए ना, सो प्लीज़ एक्स के बाद, अच्छा एग्जाम के बाद, हाँ एग्जामिनेशन के बाद बना ही देंगे। यहाँ साइंटिस्ट के नेम और डेट आई थिंक यहाँ पर देना चाहिए। ठीक है, पनीत स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा जेसीसी में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इधर से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आए थे इस बारे, एग्रीकल्चर में भी नहीं आए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था। ठीक है, ये चार्ट क्या है, ये नॉर्मल चार्ट है हमारा, ये रिजल्ट ऑफ डायब्रिड क्रॉस वेयर द टू पेरेंट डिफर्ड इन टू पेयर्स कॉन्टेस्टिंग ट्रेड। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर से उतने क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मैंने ड्रोसोफिला मेलनजेस्टर मेल एंड फीमेल। अच्छा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है कि हमारा मॉर्गन। ठीक है, टी एच मॉर्गन, जो कि हम लोगों ने शायद दे रखा था, पढ़ रखा था टी एच मॉर्गन के बारे में। टी एच मॉर्गन किस में था, मॉर्गन के बारे में कहाँ देखा था, देखा था हम लोगों ने इसमें शायद, हाँ टी एच मॉर्गन 1910 सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये रहा ड्रोसोफिला और मॉर्गन का हमारा, मॉर्गन वर्क विद द टीनी फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलनजेस्टर।
which were found very suitable for such studies. They could be grown in simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks, and a single mating could produce a large number of progeny flies. Also, there was a clear differentiation of the sexes. The male-female flies are easily distinguishable. Also, it has many type of heredity variation that can be seen with the low power microscope. ठीक है, तो यहाँ देखो सेक्स लिंकेज इंट्रोसोफिला 1910 टीएच मॉर्गन. ठीक है, टीएच मॉर्गन को एक बार याद कर लेना आप लोग. ठीक है, फिर सेक्स लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन. यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा. ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन नहीं आते क्वेश्चन ये जुली यहाँ से. म्यूटेशन, अच्छा जेनेटिक डिजॉर्डर. जेनेटिक डिजॉर्डर में पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिजॉर्डर में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या? सर इसमें क्या अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे? हाँ, अदर स्टूडेंट वाले भी एग्जाम देंगे, बट उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा जो कि ओनली रिम्स है. मिलेगा भी तो आफ्टर झारखंड का सीट फुल हो जाएगा. झारखंड के सारे कैंडिडेट अगर नहीं लेते हैं वहाँ पर, अगर बच जाता है देन लेंगे. ठीक है, मैंडेलियन डिजॉर्डर, सेक्स लिंक, ये हमारा क्या क्या था, क्रो जेनेटिक डिजॉर्डर देख लेते हैं. ठीक है, जेनेटिक डिजॉर्डर. जेनेटिक डिजॉर्डर्स सर्च करेंगे हम लोग क्लास 12. एक एक पिक मिला है मेरे को, ये इसमें क्या है? आई थिंक जेनेटिक डिजॉर्डर के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बने हुए. नहीं दिए हुए, ठीक है, जेनेटिक डिजॉर्डर में नहीं है उतने, बट इसके एमसीक्यू कर लेना. ठीक है, जिन लोगों ने कितना सेफ स्कोर है बीएससी नर्सिंग का, वो सेफ स्कोर आफ्टर रिजल्ट पर चलता है क्योंकि कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे हैं. ठीक है, लास्ट ईयर 4000 करा था एंड इस बार ही और भी करने वाले हैं, तो 2x कॉम्पिटिशन है. ठीक है, तो कह सकते हम लोग. हाँ, क्रोमोसोमल डिजॉर्डर में यहाँ पर दिया हुआ है. एक ये वाला क्वेश्चन आते हैं कभी कभी. ए रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विथ डाउन सिंड्रोम एंड कॉरस्पेंडिंग क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, डाउन सिंड्रोम का यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. ठीक, और यहाँ पर आप ये याद रख लो, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, मैनी लूप्स ऑन द फिगर टिप्स एंड बिग एंड रिंकल टंग, पाम क्रीज और कंजेनाइटल हर्ट डिजीज. ठीक है, फिर डाउन सिंड्रोम का यहाँ पर दिया हुआ है. और फिर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, यहाँ से क्वेश्चन आए थे सर, आई थिंक लास्ट ईयर नर्सिंग में आए थे क्लीन फिल्टर का. दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन टू ए करप्टिव 47XXY. सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, जिसे हम लोग गाइनोकोमास्टिया कहते हैं, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड फिगर 5.717. सच इंडिविजुअल आर स्टराइल. ठीक है, तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में आपको क्या डिजॉर्डर मारा, ये 47 एंड XXY, एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम होता है. ठीक है, 47 एंड XXY क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में आपको याद रखना है. और इसमें होता क्या है, जो फीमेल रहती है उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है वो नहीं हो पाता है. ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल स्टराइल होते हैं, मतलब कि वो मतलब सेक्सुअली स्टराइल होते हैं. ठीक है, फिर टर्नर सिंड्रोम आ गया, इसमें क्या है, सच डिजॉर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम. ठीक है, 45 विथ XO, सच फीमेल स्टराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंटरी बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में नहीं होते. और टर्नर सिंड्रोम में 45 विथ XO
एंड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में 47 एंड XXY, ठीक है, याद रखना। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, अडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 कह सकते हैं इसको। और डाउन सिंड्रोम किसने करा था, लैंगडन डाउन साइंटिस्ट करने में 1866, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्स विद स्मॉल राउंडेड हेड, फॉरवर्ड टंग एंड पार्सली ओपन माउथ। ओके सर, पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो बी एस सी नर्सिंग को प्लीज़। पी वाई क्यू 2021-2022 का दे रखा है हम लोगों ने, 2020 एंड 2021 का आपको लिंक से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, इधर आप व्हाट्सएप पे भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 पढ़ रखा है हम लोगों ने, नीचे के इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तीन सिंड्रोम यहाँ पर इन्होंने दे रखा था, और एक्स्ट्रा सिंड्रोम जो भी एनसीईआरटी या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी के सिंड्रोम वाले वो कर लेना। फीमेल कैरेक्टर आ जाता है क्लीन फिल्टर में, यस फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, दैट्स राइट, ये सब ओके। और टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम तीन हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, और जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी के सिंड्रोम बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेना, यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कितने देर रखा, 1 आवर होने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, मतलब 5 चैप्टर, तो काफ़ी बढ़िया है। प्रिय कमर्शियल बी एस सी नर्सिंग न्यू बैच कब से स्टार्ट हो गया, दिस इज़ नॉट बैच, हम लोग बैच स्टार्ट नहीं किए प्रिया कुमारी, बिकॉज लैक ऑफ टीचर्स ही, हम लोग के पास टीचर्स नहीं है। अगर आप लोग टीचर हायर करते, अगर आपका सपोर्ट रहता है इन फ्यूचर बहुत बढ़िया, देन हम लोग टीचर भी लाएंगे, ठीक है। अभी तो चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, ओनली 3000 ही फैमिली है, दैट्स वाई, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर अगर आपका सपोर्ट रहता है देन हम लोग लाएंगे, ठीक है। बेसिकली अभी तो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, बट आपके जो भी जूनियर्स होंगे वो आ सकते हैं क्लासेस के लिए। और अभी मूव करते हैं नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड यहाँ पर ग्रिफिथ साइंटिस्ट का नाम एक आ गया, ठीक है। और इसने किस में किस में एक्सपेरिमेंट करा था, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कंक्लूडेड देयर वाज सम फैक्टर इन हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन दैट ट्रांसफॉर्म लीव नॉन विरुलेंट विरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। और 1944 एवेरी एम सी कार्टी एंड मैक लियोट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग बड़ा, एंड यहाँ पर मैं इसको फिर से इरेज करूँगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ पर आप देख सकते हो डीएनए इज द मैक्रोमोलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू कॉम, अरे यार ये ना माउस का वायर दब गया, देख सकते हो। एंड देख सकते हो डीएनए इज द मैक्रोमोलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दैट रन एंटी पैरेलली एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर ऑपोजिट नाइट्रोजन बेसिस। एंड द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्टिंग ऑफ डीएनए पैकिंग इज न्यूक्लियोसोम। देर आर 5 types ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है, ग्रिफिथ कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड कंक्लूडेड दैट देर वॉज सम फैक्टर इन हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट ट्रांसफोर्ड लीव नॉन विरुलेंट इंटू विरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना। और नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, इन 1944 एवेरी एम सी कार्टी एंड मैक लियोट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूडेड दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर हर्सेन चेस भी आ गया, हर्सेन चेस वर्कड विद वायरसेस दैट इनफैक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्टेड विद द वायरसेस वेयर रेडियोएक्टिव इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो देख लो एक बार, हर्सेन चेस ने क्या करा था, किस पर वर्क करा था, हर्से एंड चेस ने किस पे वर्क करा था, हर्सेन चेस वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। और नाउ मूव टू नेक्स्ट, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में यह दिया हुआ आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड
is a hereditary material in some viruses, retrovirus. It is a polymer of ribonucleotides and is made up of ribose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. ठीक है, और यहाँ पर साइंटिस्ट, बस आपको यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखने हैं. दो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे था, हर्सेन चेस, एवरी एम सी कार्टियन, मैकलियोड और ग्रिपिथ का. फिर अगला साइंटिस्ट आ गया हमारा मिशेलसन एंड सैथल 1958 में. इन लोगों ने क्या करा था, प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड. ओके, इसने एक्सपेरिमेंट किस में करा था, इकोलाई एंड यूज हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट करा था. फिर ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस मेकिंग ए कॉपी ऑफ जेनेटिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए स्ट्रैंड इनटू ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए. ठीक है, और ये हो गया. हाँ ठीक है, तो ये आपको, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप रिवाइज कर सकते हो. बेसिकली यहाँ साइंटिस्ट के नेम काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. फिर यहाँ पर आ गया एक और, लैक ऑपरेन ऑफ इकोलाई इज एन इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकॉब एंड मोनोड 1961. ठीक है, लैक ऑपरेन ऑफ इकोलाई इज एन इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकॉब एंड मोनोड 1961. लैक ऑपरेन हैज थ्री स्ट्रक्चर जीन्स जेड वाई एंड ए. ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर याद रखना, साइंटिस्ट का नाम जैकॉब एंड मोनोड 1961 में क्या करा था, एक्सपेरिमेंट हुआ था इकोलाई पे. एंड फाइनली जो कॉन्क्लूजन आया था वो बोला गया था इंडिविजिबल ऑपरेन सिस्टम. फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग रिपीटेड सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम दैट प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ बैंड यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल. ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 6 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर साइंटिस्ट के नेम से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो साइंटिस्ट के नेम से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो एक बार साइंटिस्ट के नेम रिवाइज कर लेने हैं आप लोगों को. ओके, अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इवोल्यूशन 7 नंबर, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन. और एमटीजी में क्या दे रखा है इन लोगों ने, देखते हैं. एमटीजी में ग्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन दे रखा है डिफरेंस. और हम लोग इसको करते हैं, ठीक है. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इट इज़ ए सडन एंड क्विक प्रोसेस. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इट इज़ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस. जेनेटिक ड्रिफ्ट में दिया, इट सेलेक्ट हार्मफुल और यूजफुल वेरिएशन बाय चांसेस. एंड नेचुरल सिलेक्शन में दिया, इट सेलेक्ट ओनली एडेप्टिवली यूजफुल वेरिएशन. ठीक है, फिर नाउ मूव टू, यहाँ पर देख सकते हो, बोथ कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक आर इंटरमीडिएट स्टेजेस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मिसिंग लिंक इज रेफर्ड सच एज इंटरमीडिएट फॉर्म विच, ये तो दे रखा. तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सेलेक्शन में आपको याद रखने, ठीक है, यहाँ पर आप और भी पढ़ सकते हो इसको बाद में. फिर इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स, आर्टिफिशियल सेलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन से क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस पूछ सकता है वो लोग. एंड कन्फ्यूजन उसमें ये होगा ना, दैट कि आपका होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल रहेगा तो उसमें फाइंड करना है कि कौन सा होमोलोगस का ऑर्गन है. ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन सिंपली समझ लो, वो है ना सिमिलर ऑरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन हैव सिमिलर ऑरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. और ऑर्गन तो सेम होते हैं बट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, एनालॉगस में क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन हैव डिफरेंट ऑरिजिन एंड एनाटॉमी. एनालॉगस ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एनालॉगस में क्या एग्जांपल, दे गिव एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट ओवुलेशन, इवोल्यूशन इन डिफरेंट स्पीसीज टू अडैप्ट देम फॉर सिमिलर हैबिटेट. और होमोलॉगस में क्या है, दे गिव एविडेंस ऑफ डिफरेंट एवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टू अडैप्ट देम फॉर डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है, और होमोलोगस और एनालोगस में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे. ओके, तो इसको सिंपली से हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल में क्या रहेगा. होमोलोगस ऑर्गन हमारा क्या हो गया, ह्यूमन ह्यूमन हैंड एंड ह्यूमन लेग. ठीक है, ह्यूमन पाम.
पाम बेसिकली क्या होमोलोगस एंड एनालोगस, ठीक है, क्या हो गया, अ स्ट्रक्चर आर ऑफन कन्फ्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन हो गया ना कि कोई भी एनिमल है उसका लेग, और हम लोग का पैर और कोई भी एनिमल बर्ड हो गया, ठीक है, उसका भी पैर, तो वो होमोलोगस ऑर्गन में आ गया। फिर होमोलोगस स्ट्रक्चर में एनालोगस ऑर्गन में क्या आ गया, बड़े कोई भी बर्ड है उसका पंख है, ठीक है, और कोई भी बटरफ्लाई है उसका भी पंख है, तो दोनों एनालोगस होगा कहलाएगा, ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है, ओके। बट अगर आप बर्ड्स का पेड़ पैर देखोगे तो वो क्या करता है, पकड़ने में उसको मदद करता है, ठीक है, पेड़ पर वो बैठा हुआ है तो वहाँ पर पकड़ने में, बट हम लोग का जो पैर है वो हम लोग उससे क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होता है होमोलोगस में, बट स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, देखो वही है, होमोलोगस ऑर्गन है सिमिलर ऑरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑरिजिन भी सेम ही होता है, ठीक है, बट जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। एनालोगस में क्या होता है, डिफरेंट ऑरिजिन होता है, एनाटॉमिकल बेस देखोगे तो ऑरिजिन डिफरेंट होगा बट फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, बर्ड और बटरफ्लाई के कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था होमोलोगस और एनालोगस में डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ हम लोग आगे जाएंगे इवोल्यूशन में, ये बस यहीं पर दे रखा था इन लोगों ने, इंपॉर्टेंट इतना ही दे रखा था, ठीक है, बट इवोल्यूशन में क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में चलते हम लोग। ये पीडीएफ लोड हो रहा है, ठीक है, तब तक बता दो डैड कि अभी तक तो कौन कौन स्टेबली बना हुआ है, ठीक है, 7 बजे हम लोग पक्का स्टार्ट किए थे, 1 घंटे हो गए हैं, ठीक है, और अभी हम लोगों ने ओनली 7 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, और जो टोटल चैप्टर्स है वो अगर आप काउंट करो तो 16 चैप्टर है, ठीक है, तो अराउंड 2 घंटे में ये कम्प्लीट हो जाएगा 11 12, ठीक है, और मैं इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चैट पर कोई एक्टिव नहीं है, चैट करो यार, ओके। यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इवोल्यूशन में थ्योरी में क्या दिया रखा है, यहाँ पर साइंटिस्ट की नेम अगर होगी तो वो आपको, आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन यहाँ पर है एक साइंटिस्ट का नाम, सीसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रैनियल कैपेसिटी जो होता है ना वहाँ से क्वेश्चन देख यू वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो क्रैनियल कैपेसिटी वाले कहाँ पर है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और यहाँ पर क्या दे रखा है लोगों ने, अडेप्टिव, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ओके। इवोल्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इवोल्यूशन से, ठीक है, हाँ ये हमारा आ गया अभी इम्पोर्टेंट टर्म इवोल्यूशन का, ये कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये देखो फाइनली आ गया जो हम लोग फाइंड कर रहे थे, फाइंड क्या कर रहे थे हम लोग, होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन, ठीक है, होमो इरेक्टस का कितना होता है ब्रेन साइज का, ब्रेन अराउंड 900 cc, ठीक है, होमो इरेक्टस का, ओके, एंड देख सकते हो नेंडरथल मैन, ठीक है, नेंडरथल मैन का ब्रेन का कैपेसिटी कितना, 1400 cc, ठीक है, वो कब तक जिंदा थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन, सॉरी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh and 4000 years back, सॉरी 40,000 years back, ठीक है, दे यूज टू हाइड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, होमोसैपियन अरोज इन अफ्रीका मूव, अच्छा ठीक है मैं तो कर लेता हूँ इसको, इरेक्टस इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा टॉपिक हमारा, इवोल्यूशन वाला, ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है,
क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी चेक करेंगे हम लोग कितना है। यहाँ पर ये पहला चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पर क्रैनियल कैपेसिटी होमोसेपियन का, यार ये कैसे दे रखा है। यहाँ पर हम लोग को एनसीईआरटी में बस तीन दे रखा है, इन लोगों ने तीन दे रखा है। किसका किसका? होमो इरेक्टस का और नेंडरथल मैन का, और नेंडरथल मैन का, ठीक है बस दो ही दे रखा है क्या? हाँ यहाँ पर बस दो ही दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। इसमें इस ग्राफ में देख सकते हो होमोसेपियन का 1330, होमो इरेक्टस का 1950, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का क्रैनियल कैपेसिटी कोई बता सकते तो बता दो फटाफट से। यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी, बट यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा किसका है। ओके तो इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर क्रैनियल कैपेसिटी पूछ सकता है, ठीक है। और वही ऑर्गेन वाला मैंने जो बता रखा था, ठीक है। अभी हम लोग मूव करेंगे एमटीजी का फार्मूला बुक में, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यहाँ पर देख सकते हो कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। पहला इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पर वायरस है। वायरस से क्या क्या होता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पॉलीमाइलेटिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पोक्स, मीजल्स एंड मम्प्स, ठीक है। और अगला चार्ट में दिया बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, टाइटेनस, फूड और पॉइजनिंग एंड डिप्थेरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया से कौन कौन, बैक्टीरिया से कौन सा टाइफाइड? अगर टाइफाइड का पूछे तो क्या आप लोग बोलोगे, तो वो देखना है। फंजाई से क्या होता है? मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोवा से क्या होता है? मलेरिया, काला आषाढ़, एमोबियक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। फिर वर्म से क्या होता है? इंटेस्टाइनल वर्म्स इन्फेक्शन, एलिफेंटियासिस। फिर कॉमन डिफिशेंसी डिजीज, डिफिशेंसी डिजीज प्रोटीन का डिफिशेंसी से कावा सिरकोर, प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज से मैरसमस, ठीक है। विटामिन ए से जेरोथैलिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन B2 से चियोलिसिस एंड नियासिन से पैलेग्रा। विटामिन B12 से पैनिसियस एनीमिया, ठीक है। आयरन से माइक्रोसाइटी से रिकेट्स। विटामिन K से ब्लीडिंग डिजीज। फ्लोरिन से डेंटल कैरीज। आयोडीन से गोइटर, ठीक है। तो ये विटामिन बीस जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट वैक्सीन फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, DPT डिप्थेरिया, या फिर टेरेसिस, या फिर ओपिंग कफ, या फिर टेटनस, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के लिए HIV, हेमोफाइलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए, और मिसल्स मिसल्स के लिए, ठीक है। सेफ्टी कितना होता है वो देख सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस का अगर आप लेते हो वैक्सीन, BCG वैक्सीन, दैन 50-80% चांसेस है दैट कि आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। और NCERT का अगर आप चेक करोगे तो NCERT ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जो मतलब कि कॉज और सिम्टम्स होते हैं ना, वो याद रख लेना, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजीज फॉर फूड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड यहाँ से भी बेसिकली बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी को स्किप करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में इससे क्वेश्चन बहुत कम थे, ठीक है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है पॉल बर्ग, 1972, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो दिया था, किसने दिया था? पॉल बर्ग 1972 में, ठीक है।
प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज ओरिजिन रेप्लिकेशन सेलेक्टेबल मार्कर, बायोटेक्नोलॉजी ने इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको गोल्डन राइस याद रखना है, इट ए ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑर्जिया सैटिवा विच कंटेन गुड क्वांटिटीज ऑफ बीटा कैरोटीन जिसे हम लोग प्रो विटामिन ए कहते हैं। ठीक है, अगर विटामिन ए नहीं रहे तो वहाँ पर बीटा कैरोटीन आपको मार्क करना है। ओके जीन थेरेपी एडमिशन डीएमिनेज एडीए डिफिशियंसी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको, इकोलॉजी हैबिटाट ये सब। ठीक है तो हम लोग इसको फटाफट से देखेंगे। ठीक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एनसीईआरटी देखेंगे हम लोग। ठीक है यार ये पीडीएफ देना पूरा तो वेबसाइट ही खोल दे रहा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यही है क्या, रिप्रोडक्शन खोल रहा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये आ गया हमारा कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर पार्शियल रेगुलेटर। यहाँ पर आपको याद रखना एक्सपैंडिंग स्टेबल डिक्लाइनिंग चार्ट। आई थिंक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से जो है ना क्वेश्चन तो आते हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ से कम देखने को मिलेगा आपको। ये वाला चार्ट आप याद रख लेना, स्पीसीज एंड स्पीसीज एंड स्पीसीज बी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म माइनस माइनस कॉम्पिटिशन प्लस माइनस प्रेडेशन प्लस माइनस पैरासिटिज्म। ठीक है और प्लस एंड नन कॉमेंसलिज्म एंड माइनस एंड नन एमेंसलिज्म। ठीक है तो ये हो गया पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक इसमें साइंटिस्ट के नेम भी है कुछ कुछ, तो वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है तो यूजुअली हम लोगों ने फार्मूला बुक में जो कर रखा है, फार्मूला बुक में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या रखा है, इकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मूला बुक को हम लोग रिवाइज करते हैं आके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है इकोलॉजी, इकोलॉजी मे ब्रॉडली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है हैबिटाट, हैबिटाट इज ए स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी डेलिमिनेटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर फिजिकल फीचर एंड बैरियर्स वेयर ए कम्युनिटी रिसाइड्स। ठीक है नाइक क्या है, नाइक और इकोलॉजिकल नाइक इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटाट ऑक्यूपाइड बाई इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय इट रेंज ऑफ टॉलरेंस रेंज ऑफ मूवमेंट एंड माइक्रो क्लाइमेट टाइप ऑफ फूड एंड सर्वेबिलिटी शेल्टर टाइप ऑफ प्रेडिटर एंड टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी। ठीक है तो नाइक और इकोलॉजिकल नाइक में क्या डिफरेंस है वो देखा है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर आर टू टाइप अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है तो बायोटिक फैक्टर क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एंड प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएगा, बायोटिक में। ये बायोटिक में क्या आ जाएगा, और नॉन लिविंग फैक्टर सब्सटेंसेस एंड कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस सर्वाइवली फॉर्म फंक्शन बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फॉर मेजर अबायोटिक फैक्टर आर लाइट टेम्परेचर एंड वाटर एंड सॉइल। ठीक है ओके तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर देख लो अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है इन प्लांट टेम्परेचर अफेक्ट वेरियस प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस
रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट etc. सिमिलरली इन एनिमल्स टेम्परेचर इफेक्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, कलरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर. ठीक है. प्लांट्स प्लांट्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स एंड दे हैव वेरियस एडेप्टेशन टू सर्वाइव सच इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर एवेबिलिटी. टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव बीन कैटेगराइज इंटू डिफरेंट टाइप ऑफ सच एज मीजोफाइट. तो ये सब तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में है. ठीक है. एंड यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ बर्जमैन्स रूल्स. ठीक है. बर्जमैन्स रूल्स इसमें क्या है वो देख लेना एक बार. एलेंस रूल भी दिया हुआ है यहाँ पर. एलेन रूल क्या है? द टेल, स्नाउट, ईयर्स एंड लेग्स ऑफ मैमल आर रिलेटिवली शॉर्टर इन कोल्डर एरियाज. ठीक है. इन द वार्मर एरियाज. एलेंस रूल कहता है ना, द टेल, स्नाउट, ईयर्स एंड लेग्स ऑफ मैमल्स रिलेटिवली शॉर्टर इन कोल्डर एरियाज देन इन वार्मर एरियाज. ठीक है. ये आपको याद रखना है. फिर पॉपुलेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंक्रीज विच आर कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स. ठीक. फिर म्यूचुअलिज्म आ गया, कॉमेंसलिज्म आ गया, एमेंसलिज्म आ गया, पैरासिटिज्म आ गया, ब्रूड पैरासिटिज्म आ गया, कॉम्पिटिशन आ गया, प्रीडेशन आ गया. ठीक है. ये हम लोगों ने ऊपर में कर रखा था. फिर नाउ मूव टू इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में यहाँ पर दे दिया डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ सबको पता है, दे आर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म. हेटरोट्रॉफ क्या होता है? दे आर कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये है बेसिकली, आप समझ सकते हो उसको. एंड डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन क्या है एंड फूड वेब क्या है? फूड चेन इट रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन ऑन वन एनदर. ठीक है. और फूड वेब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स. फिर डिकम्पोजर. डिकम्पोजर आर माइक्रोब विच एक्ट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन. दे अब्सॉर्ब सम ऑफ द सब्सटेंसेस एंड रिलीज अदर इनटू द एनवायरनमेंट टू द रिसाइकल एंड टू बी यूज्ड इट फ्यूचर बाय द प्रोड्यूसर्स. इन दिस वे डिकम्पोजर हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइकिलिंग द मटेरियल्स इन द बायोस्फेयर एंड मेंटेनिंग द फूड चेन बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसर्स. दे ऑल्सो मेक द सॉयल फर्टाइल एंड हैव बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ओके. फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट दे रखा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एग्जिंक्ट स्पीसीज, एग्जिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल स्पीसीज. ठीक है. तो ये दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पर, तो आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. ओके. मैं आपको ये PDF आपको टेलीग्राम पर अभी शेयर कर दे रहा हूँ. टेलीग्राम जो जो ज्वाइन नहीं करा है तो वो लोग ज्वाइन कर लो. एंड हम लोग क्या करेंगे वहाँ से ये वाला चैप्टर, नीचे नीचे के जितने भी चैप्टर छोटे हुए वो करेंगे. ठीक है. कल के दिन में एंड बाकी करेंगे. ठीक है. तो अभी लाइव को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे. ठीक है. मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन.